हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारी सी जो है लेडीज़ सॉक्स बनाएंगे, जिसे जो है आप जिसने कभी बनाया भी नहीं हो, बुना नहीं हो, सीधा उल्टा उसे सिर्फ बुनना आता है वो भी बना सकता है इसे। बहुत ही आसान है बनाने में। इसके लिए देखिए, मैंने दो कलर की वूल ली है। ये स्पेशली सॉक्स के लिए वूल आती है, नाइलॉन की वूल है ये। इस तरह से जो सॉक्सेस के लिए ही आती है। ये वाइट कलर की बुल ली है, ये नॉर्मल वर्धमान की बुल ली है, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ी सी लगेगी इसलिए मैंने जो है नॉर्मल बुल ली है इसे इसके लिए। तो इससे हमने जो है फंदे डाल लेने हैं। फंदे डालने के लिए देखिए, मैंने दो सिलाइयों के ऊपर फंदे डाले हुए हैं और 90 स्टिच मैंने डाल रखे हैं। 90 स्टिच डाल करके दो सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बनानी है दोनों साइड से। सीधी साइड से भी उल्टा बुनना है और राइट साइड से भी उल्टा और रॉन्ग साइड से भी उल्टा, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन करके हमने दो सिलाइयाँ, चार सिलाइयाँ बनानी है। मतलब कि दो लाइनें राइट साइड में हमारी दो लाइनें आनी चाहिए। और देखिए, अब रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हमारा क्या है, ये वाइट कलर की बूल को हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से जो है हम बूट बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये बैक साइड है इसकी, और देखिए ये राइट, ये साइड एक साइड है और ये दूसरी साइड। देखिए इस तरह से आएगा ये, और दूसरे साइड के जो है हमने बनाना है। अब यहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट करना है वाइट कलर की वूल को इस तरह से, और दो सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बनानी है इस तरह से। इस साइड से भी हम उल्टा बुनेंगे और दूसरी साइड से भी हमने उल्टा उल्टी सिलाई बुननी है। मतलब कि जब भी हमने ज्वाइंट करना है दूसरे कलर के थ्रेड को, तब हम जो है उल्टी साइड से ज्वाइंट करेंगे। तो ये जो उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है, ये हमारा सीधी साइड में नहीं आएगा। तो इस तरह से दो सिलाइयाँ हम इस वाइट कलर की भी डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये दो सिलाइयाँ हैं, एक लाइन बनेगी इसकी, फिर एक लाइन इसकी बनाएंगे, फिर एक लाइन इसकी। मतलब कि एक दो तीन चार लाइनें हम जो है इसकी बनाएंगे। अब देखिए, दूसरी सिलाई हम फिर से यहाँ पे वाइट की डालेंगे। तो इस तरह से उल्टे फंदों की बनाएंगे, तो एक धारी हमारी जो है एक लाइन बन जाएगी। इसके बाद फिर से एक लाइन पर्पल की बनानी है, उसके बाद फिर से एक लाइन जो है इस वाइट की बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो है चार धारियां हमने बनानी है, एक दो तीन चार, चार इसकी आएंगी, दो लाइनें हमारी ये हैं, चार और दो छह लाइनें टोटल हमारे पास, छह लाइनें ये होंगी। तो इतना बना लेती हूँ मैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे आगे करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चार लाइंस हमने कंप्लीट की है वाइट की, चार लाइंस हमने कंप्लीट की है, तीन लाइन हमने बीच में इसके कंप्लीट की है, ये पर्पल कलर जो है हमारा, दो लाइंस हमने ये वाली बना दी। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है वाइट कलर को हम काट देंगे, यहाँ से वाइट कलर हटा देंगे, क्योंकि इतना सा ही हमारा जो है वाइट कलर की धारियाँ लगेंगी जैसे ये वाली है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर सिक्स लाइंस जो है ये पर्पल कलर की बना लेनी है। देखिए सिक्स लाइन बनानी है, मतलब कि हमारी दो लाइंस बन चुकी हैं, इसके बाद जो है चार लाइंस हम और बनाएंगे इसी तरह से। इस तरह से हमने बुनते हुए जाना है और चार लाइंस हम और बनाएंगे। तो चार लाइंस मैं बना लेती हूँ। देखिए ये तीसरी लाइंस है, इसके बाद जो है तीन लाइनें और बनेंगी, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि कैसे आगे हमने बनाना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिक्स लाइंस जो है बन चुकी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, सिक्स लाइंस बनने के बाद देखिए यहाँ से हमने 10 फंदों को बंद कर देना है। आपने यही ख्याल रखना है कि जब हम एक पैर बनाएंगे तो हमने यहाँ से 10 फंदे बंद करने हैं,
जब हम दूसरा पैर को बनाएंगे तो हमने यहाँ से 10 फंदे बंद करनी है, मतलब कि एक एक साइड के 10 फंदे बंद करेंगे, दूसरा दूसरी साइड से 10 फंदे बंद करेंगे। तो इसलिए हमने जो है इस बूट को इस तरह से बनाना है। तो अब हमने यहाँ पे 10 फंदों को बंद कर देना है इस तरह से, दो का एक करते हुए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये 10। अब बाकी फंदों को हमने इस तरह से उल्टा बनाना है। इस तरह से बाकी फंदे हमने उल्टे बना करके कंप्लीट करनी है इस सिलाई। अब देखिए यहाँ से हमने फिर से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है और सभी फंदों को बुनते हुए जाना है, मतलब कि 6 लाइंस हमारे ये हैं और 7 लाइन हमने ऊपर इसके बनानी है। ये देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा बनेगा। अब 7 लाइंस हमने यहाँ पे बना करके कंप्लीट करनी है। 7 लाइन बनाने के बाद सभी फंदों को हम बंद कर देंगे तो हमारा जो है बूट कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 लाइन मैं और बना लेती हूँ, 6 लाइन हमारे पास ये हैं, तो टोटल हमारे पास जो है 13 लाइन्स होंगी। 26 सिलाइयाँ हमने बनानी है। 27वीं सिलाई में हमने जो है इन फंदों को बंद कर देना है रॉन्ग साइड से। तो 7 लाइनें मैं और बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारी 13 लाइंस बन चुकी हैं। अब रॉन्ग साइड से हमने इन सभी फंदों को इस तरीके से बंद कर देना है। इस तरीके से सभी फंदों को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमने बूट की सिलाई करनी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हमने सिलना है। सबसे पहले हमने जो है इन फंदों को इस तरह से बंद कर देना है रॉन्ग साइड से। देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड से हमने इसको सारे फंदों को बंद करने के बाद हम इसको सिलेंगे, वो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स इसकी हमने सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से हमने सभी फंदों को बंद कर लिया। देखिए एक बार मैं आपको और फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ से इस बार हमने जहाँ से फंदे बंद किए हैं 10, जो दूसरा पैर बनेगा वो यहाँ से फंदे 10 बंद होंगे। मतलब कि बस यही आपने ध्यान रखना है, जब हम एक पैर बनाएंगे तो यहाँ से फंदे बंद करेंगे, या अगर दूसरा पैर बनाएंगे तो यहाँ से फंदे बंद करेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है तो धागे को यहाँ से हम काट देंगे। अब देखिए इसको सिलना देखिए कैसे है। हमने इसको इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से फोल्ड किया तो ये वाला हिस्सा हमारा ऐसे आ गया। अब ये वाला हिस्सा उठाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमने सिलना है ये वाला हिस्सा जो है फोल्ड किया हुआ, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सिलना है। और यहाँ से ये देखिए ये देखिए यहाँ से एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इस हिस्से को सिलेंगे और इसे ऐसे ही रखेंगे। फिर यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। फिर नीचे से यहाँ से सिलेगा और हमारा ये वाला जो हिस्सा है वो खुला रहेगा पैर अंदर जाने के लिए। तो यहाँ से मैं सिल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से सबसे पहले हमने इस तरह साइड से सिलना है। जैसे भी आप सिलाई करते हैं उस तरह से आप जो है आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से आप सिल लीजिए। इस तरह से सिलना है हमने। देखिए ये हमारा सिल करके कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से इस धागे को काट देंगे, दूसरी साइड से हम सिलेंगे।
ये हमारा सिल गया तो इस तरह से आ जाएगा। अब हमने इसको यहाँ से पकड़ना है और इसे इस साइड से लेके आना है इस तरह से। यहाँ से हम इसको यहाँ तक सिलेंगे, यहाँ तक भी इसकी लंबाई बनती है, यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लेना है। तो ये धागे को हमने सुई में डाल लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाले हिस्सा भी हमारा यहाँ से सिल चुका है। देखिए इस तरह से हमने इसको सिला है। देखिए अगर आप इस तरह से रखेंगे तो यहाँ से ये वाला हिस्सा सिला, यहाँ से ये वाला हिस्सा सिला। अब हमने नीचे की साइड सिलनी है। इस तरह से हम पकड़ेंगे नीचे की साइड, इसको इस तरह से सिल देंगे नीचे की साइड से। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिल देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो जुराब जो है बन करके रेडी हो गई है। इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। देखिए देखिए ये जो है इस तरह से बूट जो है बन करके रेडी हो गया है, और दूसरी साइड का ये बना है। देखिए इस तरह से दोनों पैर हमारे जो हैं इस तरह से बन गए हैं। तो इस तरह से आप जुराबों को बनाइए, बहुत ही आसान है बनाने में, और बहुत देखिए देखने में कितनी सुंदर लगती हैं, और बनाने में बहुत ईजी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।